बे ये सब क्या हो रहा है भाई? कभी कभी तो लगता है माइनक्राफ्ट को नशेड़ियों ने बनाया है भाई। कोई बात नहीं, इसको छोड़ के हे पैल्स, वेलकम टू अनदर वीडियो जहां वापस से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट को, माइनक्राफ्ट द गॉड गेम, जिसके अंदर हम ट्राई करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया से टिकटॉक हैक्स को। तो ये आज के भाई टिकटॉक हैक्स ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए पहले बता रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, एंड बिना टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो की तरफ, लेट्स गो। ओके सो गाइस, फर्स्ट वाले हैक के लिए मेरे को विलेज मिल चुकी है, तो देख सकते हो भाई विलेज वालों का घर कितना बेकार गंदा नल्ला भाई, कितना गंदा घर है इनका। तो इसलिए मैं आज इसके घर में ना क्या कहते हैं एक बढ़िया सी टोटी फिट करने वाला हूँ भाई। पानी वानी पीने का सोर्स ही नहीं है बंदे के पास, तो तुम्हें क्या करना है ना उसके लिए एक ऐसे ब्लॉक को तोड़ना है, उसके उसके रिप्लेस करके उधर कोल्ड ड्रिंक को प्लेस कर देना है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस बनानी है, दो ब्लॉक्स तोड़ देता हूँ यहाँ पर एक स्कैफोल्डिंग प्लेस करो, उसके ऊपर तुम्हें एक फुल ग्लास ब्लॉक को प्लेस कर देना है, एंड फिर उसी से एक बैम्बू फेंस को, एंड बैम्बू फेंस के नीचे ना जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर तुम्हें वाटर फिल कर देना है, एंड उसके ऊपर ना लाइट ब्लू स्टेन्ड ग्लास पेन को एक लगा देना है। एंड ये देखो टोटी तैयार है ब्रो तुम्हारी, देखो क्या ही तो टोटी बना दी है, लेट्स गो ब्रो। इस टोटी के लिए एक लाइक हो जाना चाहिए भाई, क्या ही तो टोटी बनाई है, मस्त टोटी बनाई है, अब इसका मेरे को पैसा मिलेगा। तो ब्रो विलेजर मेरे को पैसा दे, अपने प्लम्बर को पैसा दे तेरी भैंस की। ओके सो गाइस, नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। ये हैक है, ये एक तरीके से तुम्हें जानने वाली चीज है, फैक्ट कह सकते हो। इसके लिए ना तुम्हें पता है बहुत सारे, समझ लो कोई सा भी डोर है तुम्हारे पास, देख लो जैसे कि कोई सा भी मैं डोर ले रहा हूँ, हर वुड टाइप का डोर ले रहा हूँ, बर्च मैंग्रोव कोई सा भी। अभी तुम्हें पता है क्या होता है कि माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव में हमें कोई ब्लॉक मिलता नहीं है ना, बट देखो अगर तुम ना डोर को क्या कहते हैं नीचे साइड से तोड़ोगे, मतलब नीचे से ऐसे ब्रेक करोगे ऐसे देखो इस तरीके से, तो तुम्हें है ना डोर नहीं ड्रॉप होगा ठीक है। बट अगर तुमने इसे ना ऊपर साइड से ऐसे ब्रेक किया तो ये देखो भाई ड्रॉप हो रहा है, क्रिएटिव में आइटम ड्रॉप हो रहे हैं भाई, देख सकते हो। नीचे से कोई भी डोर ब्रेक करोगे नहीं मिलेगा, ऊपर से करोगे तो तुम्हें वो ड्रॉप होगा ब्रो। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हैक है भाई, देख सकते हो हर जगह देख लो ये भाई मिलता ही मिलता है। तो ये भी एक अच्छी तरीके की जाने वाली चीज है, तो अच्छा हुआ जान लिए तुम लोग। ओके सो गाइस, नेक्स्ट हैक के लिए ना मैं मतलब तुम्हें एक सीक्रेट बेस बताने वाला हूँ कि एक सीक्रेट बेस कैसे बनता है, एक सीक्रेट एंट्रेंस। उसके लिए तुम्हें ना क्या कहते हैं इस तरीके की एक दीवार चाहिए, एक दीवार नहीं मतलब ऐसे कुछ घर टाइप का, मैंने यहाँ पर कह सकते हो दो इस तरीके से चीजें बनाई हैं, एंड यहाँ पर एक जो भी डेकोरेशन के लिए बनाई है। फालतू में मैं फालतू चीज कर रहा था। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस तरीके से ना दो ब्लॉक तोड़ने हैं, तीन ब्लॉक एक्चुअली तोड़ने हैं, एंड ये जो तीसरा ब्लॉक है ना इससे ऐसे दो ब्लॉक सटे हुए तोड़ देने हैं। अभी तुम्हें क्या करना है, नीचे ना ऐसे एक हॉपर प्लेस करना है, उसके ऊपर तुम्हें ना दो हनी ब्लॉक इस तरीके से प्लेस कर देना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। अभी तुम्हें क्या करना है, इधर कोबलस्टोन प्लेस कर देना है, चार कोबलस्टोन ऐसे करके, रुको दो नीचे साइड भी कर दो, एंड फिर ना पेंटिंग यहाँ पर प्लेस कर देनी है जिससे कि पेंटिंग सिर्फ हनी ब्लॉक्स को कवर कर पाए ठीक है। अभी तुम्हें इसको इस तरीके से तोड़ देने हैं ब्लॉक्स को, एंड अभी देखो सामने साइड से बहुत ही ज्यादा अच्छा से लग रहा है ना, पीछे साइड से देखो अभी पीछे कलाकारी करेंगे हम लोग। अभी देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एक कंपैरेटर प्लेस करना है, उसको ना ऐसे टिक कर देना है, एंड फिर इधर ना तुम्हें थोड़े ब्लॉक्स और पीछे आ जाना है, और यहाँ पर ना रेड स्टोन को इस तरीके से लगा देना है, एंड फिर इधर से तुम्हें पिस्टन से उसको कवर कनेक्ट करना है, रुको जिस तरीके से मैं बताता हूँ अभी। तो ये देख सकते हो पिस्टन इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया, अभी पिस्टन से मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों को, एंड ये बहुत ही तगड़ा हो चुका है देखो, अभी ये सही लग रहा है ना, अभी बस हमें इसे कवर कर देना है, हर जगह से कवर कर देते हैं भाई इसको जल्दी जल्दी से। गाइज एक दिक्कत हो चुकी है, तुम्हें ना कंपरेटर हॉपर की साइड से मूव करके लगा देना है इस तरीके से, उसके बाद तुम्हें ना यहाँ पर ना एक रिपीटर को भी प्लेस कर देना है, एंड कंपरेटर विदाउट टिक होना चाहिए, रिपीटर भी विदाउट टिक होना चाहिए। अभी देखो जैसे कि ना तुम इसके अंदर कोई सा भी क्या कहते हैं आइटम, मतलब इसके अंदर है ना, तुम्हें ना कुछ नहीं करना है, इस पेंटिंग को ना इस तरीके से हल्का सा तोड़ना है, उसके बाद तुम्हें यहाँ नीचे साइड को इस तरीके से दबाना है, तो हॉपर से जब भी तुम आइटम निकालोगे ना जबी तो तुम्हारा ये सीक्रेट एंट्रेंस खुल जाएगा ब्रो, देख सकते हो। एंड जैसे ही तुम यहाँ पर ना क्या कहते हैं इसे पेंटिंग वापस से प्लेस कर सकते हो देखो इस तरीके से, अभी तुम्हें ना जैसे ही तुम देखो ऐसे इससे खुल गया ना ये एंट्रेंस, जैसे ही तुम इसके अंदर कोई आइटम डाल दोगे ना वापस से बंद हो जाएगा, देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम ऐसे ना कुछ सिस्टम बैठा सकते हो कि हाँ तुम विदाउट पेंटिंग को ब्रेक करे भी इसके अंदर कुछ आइटम आइटम से डाल सको, तो या ये एक बहुत अच्छा हैक है, इसे जरूर से ट्राई करना। ओके सो गाइस, अभी वाला हैक थोड़ा पर्सनल है, कैसे पर्सनल है मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले ना इस तरीके से डिस्पेंसर लगाना है एक ब्लॉक के ऊपर, फिर तुम्हें क्या कहते हैं डिस्पेंसर नहीं ऑब्जर्वर को कुछ इस तरीके से ना इस साइड को एरो होना चाहिए, अबे नीचे मत गिर भाई, जानता हूँ नीचे गिरा हुआ आदमी है। हाँ तो फेस जो होना चाहिए ना कोबलस्टोन की साइड होना चाहिए ऑब्जर्वर का इस तरीके से। अभी तुम्हें ना एक पिस्टल लगाना है, उसके ऊपर कोई सा भी ब्लॉक लगा देना है इस तरीके से, एंड फिर इसको ना पावर कर देना है रेडस्टोन से, जैसे कि मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ तुम्हारी स्क्रीन के सामने।
एक सेकंड, ये वाला ब्लॉक नहीं लगेगा। अभी तो मैं ना इधर रेडस्टोन पूरा प्लेस कर देता हूँ, मैं देखो इधर साइड को पूरा ऐसे करके, एंड अभी इधर को एक ऐसे लगाता हूँ एंड एक ऐसे पीछे साइड को लगा देता हूँ। अभी तो मैं ना इसको लेवर से कनेक्ट कर देना है। तुम चाहो तो एक रेडस्टोन क्लॉक भी यहाँ पर बैठा सकते हो। अभी तो मैं इधर ना क्या कहते हैं टीएनटी को फिल कर दे, डिस्पेंसर को टीएनटी से फिल कर देना है। फिर यहाँ पर ना जैसे ही मैं लेवर फ्लिक करूंगा, देखना विलेज की तबाही चालू हो जाएगी। विलेज के ऊपर टीएनटी बरस जाएंगे। अबे मेरे ऊपर क्यों बरस रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अच्छा हाँ, अभी याद आया कि वो यार क्या कहते हैं, मैं गलत चीज भर दी हूँ, फायर चार्जेस भरने हैं। ओके तो गाइस अभी फायर चार्जेस भर चुका हूँ मैं, टीएनटी नहीं भरने, फायर चार्जेस भरने हैं। एंड अभी देखो, अभी जैसे ही तुम इधर मारोगे ना, ये देखो भाई क्या ही तो एपिक सा हो गया भाई। देखो पूरा भाई विलेज तहस नहस हो जाएगी इस तरीके से। तो दिखाता हूँ मैं तुम लोग को दूर से, ये देखो ब्रो क्या मस्त है भाई। एंड देखो अगर तुम दूर जाओगे तो ये देखो भाई पूरी तो बारिश हो चुकी है फायर चार्जेस की, देख सकते हो ब्रो। किधर जा रहे हो भाई फायर चार्जेस, विलेज तो इधर रह चुकी है, छोड़ो। ये देख सकते हो भाई विलेज की दहशत कैसी हो चुकी है, जस्ट बिकॉज कि इन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने इन लोग घर में टोटी लगाई बट इन लोगों ने मेरे को पैसा नहीं दिया। अभी बताता हूं मैं इन लोगों को। गाइस अभी मैंने ना दूसरा ये वाली मशीन बना ली है, क्योंकि जिसके घर में टोटी लगाई भाई उसके घर को डैमेज नहीं किया, बाकियों के घर को डैमेज कर रहा हूं। तो या उसके घर को भी जल्दी से डैमेज करने के लिए यहां पर लेवर लगाते हैं। एंड अभी जस्ट यस फायर चार्जेस भी मैंने भर दिए हैं। अभी ये देखो, अभी पता चलेगा बिड़ू तेरे को कि पैसा क्यों नहीं देना, मतलब पैसा क्यों देना चाहिए, फालतूगिरी क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो गाइस इसके घर की दहशत क्या हो चुकी है जस्ट बिकॉज इसने अपने प्लम्बर को पैसा नहीं दिया। तुम लोग अपने प्लम्बर को पैसा जरूर से देना वरना ऐसा हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं आज। सो यस गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर तुम लोगों को मजा आया, अगर मजा आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, ताकि ऐसे और टिकटॉक हैक्स तुम्हें सजेस्ट होते रहें। एंड या आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड यस बाय बाय।